बैसनी गांव में लग रही रहस्यमय आग और तीन मौतों का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते दादी और दो पुत्रों के जहर देकर हत्या का आरोप। आरोपी भूप सिंह पुनिया को किया गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर लिया 7 दिन के पुलिस रिमांड पर। सोडियम से खुद ही लगाता था घर में आग। हमीरवास थाना अंतर्गत गाँव बैसनी में रहस्यमय आग और तीन मौतों के मामले में मंगलवार को हमीरवास थाना पुलिस ने आरोपी भूप सिंह पुनिया पुत्र सूर्य सुमेर सिंह जाट को गिरफ्तार कर लिया है तथा मामले का पर्दाफाश कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने पूछताछ के लिए आरोपी को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। आरोपी भूप सिंह पुनिया को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था तथा उसे यह भी शक था कि उनके दोनों पुत्र स्वयं के नहीं है, जिसके कारण आरोपी ने अपने दोनों पुत्रों को जहर देकर तथा अपनी दादी किशोरी देवी को खांसी की दवा में जहर पिलाकर हत्या कर दी और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपने ही घर में जगह जगह सोडियम से आग लगाकर ग्रामीणों को सहानुभूति बटोरने लगा। वहीं यही नहीं कि आरोपी ने पुलिस का ध्यान हटाने के लिए ग्रामीणों को उकसाकर पुलिस पर हमला भी करवा दिया। घटनाओं को लेकर आरोपी भूप सिंह पुनिया के मकान में रहस्यमय आग और तीन मौत के मामले में पर्दाफाश करना पुलिस के लिए एक चुनौती था। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि मामले में पुलिस की ओर से चुनौती के रूप में लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरीलाल तथा प्रशांत किरण आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक एवं थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया तथा एक माह में तीन मौत होने, ग्रामीणों में फैले अंधविश्वास को दूर करने, अंधविश्वास और तांत्रिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने, 4 वर्षीय बच्चे के शव को गड्ढे से बाहर निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से जाँच करवाने, आरोपी भूप सिंह पूनिया के मेडिकल की दुकान होने और GNM का कोर्स कर एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी करने आदि समस्त बिंदुओं पर गहनता से जांच की गई तथा जांच में बारबुरेट ड्रग्स और सोडियम की मात्रा पाई गई, जिस पर पुलिस ने आरोपी भूप सिंह पुनिया को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की तो मामले का पर्दाफाश हुआ। उन्होंने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि भूप सिंह पुनिया को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, साथ ही उसे यह भी शक था कि उसके पुत्र गर्वित व अनुराग उनके स्वयं के बच्चे नहीं हैं, जिस पर आरोपी भूप सिंह पुनिया ने गर्वित व अनुराग की हत्या करने की योजना बनाई, जिसके लिए किसी को शक ना हो सबसे पहले अपने दादी किशोरी देवी की खांसी की दवा में जहर मिलाकर पिला दिया, जिसके कारण 31 जनवरी 2024 को उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 13 फरवरी 2024 को भूप सिंह पुनिया ने अपने बेटे गर्वित को जहर दे दिया, जिस पर गर्वित की भी मौत हो गई। इसके बाद भूप सिंह पुनिया ने अपने दूसरे पुत्र अनुराग को मारने के लिए दिनांक 28 फरवरी 2024 को जहर दे दिया, जिसके कारण अनुराग की भी मौत हो गई। आरोपी ने अपने दादी और दो पुत्रों की हत्याओं की घटनाओं को छुपाने के लिए एवं गांव के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अपने मकान में स्वयं ही सोडियम से आग लगाना शुरू कर दिया तथा किशोरी देवी, गर्वित व अनुराग की मृत्यु एवं आग को तंत्र विद्या से लोगों को बताकर सहानुभूति प्राप्त कर ली। जब भूप सिंह के मकान में पुनिया के मकान में जब पुलिस द्वारा जली हुई चीज़ों को जब्त किया जाकर परीक्षण हेतु FSL भेजा गया तो भूप सिंह पुनिया को अपने द्वारा की गई हत्याओं का राज खुलने का डर सताने लगा। तब आरोपी भूप सिंह पुनिया ने पुलिस को घटना से दूर करने हेतु अपने परिवार के लोगों को उकसाकर पुलिस की टीम पर हमला करवा दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने अपने मासूम बेटों गर्वित उम्र 4 वर्ष, अनुराग उम्र 8 वर्ष व दादी किस्तूरी देवी उम्र 82 वर्ष को जहर देकर हत्या करना पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर जांच शुरू की गई। कार्यवाही में हमीरवास थाने के दिनेश कांस्टेबल व रवि कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही। थाने के अंदर जिसके पिछले 2 महीने में वहां पे तीन एक ही घर के अंदर मृत्यु हो गई थी तीन लोगों की, एक 82 ईयर्स की लेडी थी, एक बच्चा था 8 साल का और एक 4 साल का, वो भूप सिंह पुनिया का घर था जिसपे ये चीज़ें हुई थी। और मृत्यु होने के बाद उसके घर में रहस्यमय तरीके से आग लगने लग गई, जिसके अंदर एक बार तो पुलिस पे भी उन्होंने हमला कर दिया उनके परिवार वालों ने भूप सिंह के। तो ये घटना होने के बाद हमें पहले भी इन्होंने कोई रिपोर्ट इस चीज़ की दर्ज नहीं कराई, ये तीन लोगों की मृत्यु हो गई, ना पुलिस के पास कोई इसके अंदर वो था मर्ग दर्ज हुई थी, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही थी, जिसके अंदर ग्रामीण लोग भी जो थे वो भी एक तरह से अंधविश्वास में चले गए थे और तंत्र मंत्र और ये तांत्रिक लोग भी आके वहां पे लोगों को एक तरह से बेवकूफ बना रहे थे, उसके अंदर पुलिस ने फिर ये ऐसी घटनाएं होने लगी। तो पुलिस ने जो है कैसे आग लग रही है, जो जिन चीजों में आग लग रही थी उनका हमने FSL जांच के लिए उस चीजों को भेजा था। उसके बाद वहां से जो रिपोर्ट आई उसके अंदर वो सोडियम जो कंपाउंड है वो उसके अंदर मिला जिन चीजों में आग लगी थी, और वो सोडियम ऐसा कंपाउंड होता है उसको किसी पे छिड़का दिया जाए तो हवा में कांटेक्ट होने के बाद काफी समय बाद आग लगती है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे आग लग रही है, ये कोई जानबूझ के करी हुई चीज है, कोई जानबूझ के शैतानी कर रहा है इसके अंदर।
फिर ये जो मृत्यु हुई थी उस पर भी हमें शक होने लगा है, जो मृत्यु है कोई नेचुरल नहीं है, किसी ने इसके अंदर कुछ किया है और ये किसी ने, हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहां से कोर्ट के आदेश से निकलवाई, जहां दफनाई हुई थी, उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहां FSL भिजवाए, तो FSL में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तत्व मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मजर कराया इसके अंदर। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और IPS जो है प्रशांत किशोर उनके नेतृत्व में SHO जो हमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफी मेहनत इसके अंदर करी, और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी, तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी और उनका वो जो उसकी दादी थी, उसकी मृत्यु इसी ने, इन तीनों की मृत्यु करी है। एक की इसने जो मजर करा वो 31 तारीख को किया, एक 13 तारीख को गर्भित का और 28 फरवरी को अनुराग का। इन तीनों का मजर जो है जहर देके इसने, जो भूप सिंह जो इन दोनों बच्चों का पिताजी है, उसने ही इन तीनों को मारा था। और जिस चीज से मारा, जिस जहर से मारा, क्योंकि केमिस्ट है तो इसको जहर के बारे में और ये सब पता भी था, और इसने नेक पे भी सर्च करा था कि कौन सा जहर दिया जाए जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए। तो इन तीनों का मजर इसने करा और ये चीज इसने एक्सेप्ट भी कर ली और ये बता भी दिया कि मैंने ये मृत्यु मजर करा है वो मैंने कौन सा पॉइजन देके करा। हमने जब इससे कारण पूछा कि ये इसने ऐसा मजर क्यों करा, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया, तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं है, और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक था, और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। सबसे पहले इसने दादी को इसलिए मारा, इसका कहना था कि जो ये बच्चे हैं ये दादी के पास ही रहते थे, इसलिए इसको मुश्किल हो रहा था बच्चों को मारने के लिए। तो इसने सबसे पहले दादी की कस्तूरी जो है 31 जनवरी 2024 को उनका मर्डर करा जहर खिला के, फिर 13 फरवरी 2024 को गर्भित का और 28 फरवरी 2024 को अनुराग का। और इसने इसके जो दादा हैं घर में उन्हें भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वो जो दूध में मिला के दिया उन्होंने पिया नहीं, उनको कड़वा लगा। अपनी पत्नी को भी इसका प्लान था मारने का, उसको भी दिया था जहर लेकिन उसने भी पिया नहीं, उसको कड़वा लगा, उसने भी थूक दिया था। तो इसकी प्लानिंग थी घर में जितने भी लोग हैं मैं इन सबका मजर कर दूं। तो इसके दिमाग में एक फतूर आ गया कि ये मेरे बच्चे नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला रह गया हूं, इसलिए इन सबका इसने मजर करा।